तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग में यूजर फॉर्म, और हम बात करेंगे आज यूजर फॉर्म के बारे में। एक क्लास यूजर फॉर्म में हमने लिस्ट बॉक्स तक की थी, किरण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो किरण जी, हमने लास्ट क्लासेस जो है वो लिस्ट बॉक्स के बारे में बताया था कि लिस्ट बॉक्स को कैसे यूज किया जाता है, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब चलिए लिस्ट बॉक्स से आगे की जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहे हैं, तो लिस्ट बॉक्स में आगे हम बात करेंगे चेक बॉक्स एंड कॉमा बॉक्स के बारे में। तो मान लीजिए कि हम सिंपल सा एक डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं फॉर्म के थ्रू, जिसमें ये हमारा डेट होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे आईडी होगा, सबसे पहले आईडी, डेट, नेम, सिटी, कोर्स, मोड, और हम डेवलपर में जाके हम विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट यूजर फॉर्म, और यहां हम एक यूजर फॉर्म को डिफाइन करते हैं सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ इसमें होगा आईडी जो कि ऑटोमेटेड हमारा कैलकुलेट होगा। और यहाँ हम साइड में यहाँ करना चाहते हैं डेट, और डेट भी हमारा ऑटोमेटिकली आएगा। और बीच में हम अगर कुछ ये देना चाहे, कुछ ऐसा ही हेडिंग, डेटा एंट्री फॉर्म, और इसकी साइज जो है यहाँ से हम फॉन्ट में आते हैं, इस पर डबल तीन थ्री डॉट होते हैं, उस पर कलर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने इसका साइज हो जाता है, जिसको उठा के हम एक जगह सेंटर में मूव कर देते हैं। चलिए इसकी हम बात करते आगे। हम एक सेकेंड, और यहां पे हमारा हो गया सिटी, लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, में हम कॉम्बो बॉक्स देते हैं। कॉम्बो बॉक्स देने के पीछे रीजन ये है कि कुछ सिलेक्टेड सिटी है हमारा, इसलिए यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स देते हैं। उसके बाद आता है कोर्स, यहाँ एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम वन के जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं कोर्स,
और कोर्स में एक से ज्यादा कोर्स सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इस फ्रेम के अंदर में हम चेक बॉक्स डालते हैं और इस पे चेक बॉक्स वन पे हम डालते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट वापस एक और चेकबॉक्स और लेते हैं, नीचे ड्रैग करता हूं और डालता हूं VVA VVA साइड में हमारा पावर बीआई देते हैं बेस्ट। उसको अरेंज कर दीजिए थोड़ा सा, ऐसे हम फॉर्मेट से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहां पे एक करना है मोड लेना, तो ध्यान रखिएगा फ्रेम हम क्यों लेते हैं, फ्रेम सिर्फ हम इसके लिए लेते हैं कि हमारा ये है डिजाइन बन गया। फ्रेम लेने के पीछे है, जैसे मुझे यहाँ पे मोड में ऑनलाइन और पेन ड्राइव चाहिए, ऑनलाइन और पेन ड्राइव चाहिए, ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन चाहिए क्लास उसके बाद फिर वापस हमने रेडियो बटन दिया, क्योंकि ऑप्शन बटन लेने का पीछे पर्पस क्या है कि तो इसमें से तो एक ही चूज कर सकता है, दोनों चूज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ऑनलाइन और पीटी दो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो आता है क्लास डे बैच, हमें एक बैच के लिए चाहिए, तो अगर बैच में भी क्या है कि आपको डेली चाहिए वीकेंड चाहिए, क्योंकि आप उसमें भी आप दोनों चीज नहीं यूज कर सकते। तो अब यहां मुझे रेडियो बटन अगर मैं डाल दीजिए यहाँ पे, मैं डाल दिया मंडे टू फ्राइडे, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। अब इन तीनों में से अगर मैं इधर फॉर्म को प्ले करूंगा तो इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, समझ गया, जैसे मैं करूंगा ये हट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बटन में यूजर फॉर्म समझ रहा है कि तीनों में से कोई एक ही लेना है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये दो अलग है और एक दो अलग होगा, इसलिए हम इसको फ्रेम में रखेंगे। तो इसको हम उठा के साइड करते हैं और यहां पे हम फ्रेम लेके आते हैं, फ्रेम 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 टू में हम यहां डाल देते हैं मोड और फिर एक और फ्रेम लेते हैं और इस फ्रेम में हो जाता है बैच। उसके बाद हम ऑनलाइन को उठा के इसके अंदर डालते हैं, फिर पीडी को उठा के इसके अंदर डालते हैं, फिर हम मंडे टू फ्राइडे को इसमें डालते हैं और वीकेंड के लिए सैटरडे संडे के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन बटन हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कमांड बटन ड्रैग करता हूँ एंड सब सेव। अब इसमें हमारे यहाँ पे मोड आ गया और यहाँ एक बैच बटन फॉर्म आ गया। अब जैसे कि सबसे पहले तो मैं जब रन करूंगा तो रन करते समय यहाँ ऑटोमेटिक आईडी आनी चाहिए और यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आना चाहिए। यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा और यहां इनिशियलाइज पे चला जाऊंगा, किस पे इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज पे मैं यहां दूंगा सबसे पहले विथ मी डॉट कॉमो वर्क्स वन डॉट एड आइटम, यहां पे एड आइटम में हो जाएगा टैली, मान लीजिए
डॉट एड आइटम। अब इसमें और इसमें जो आइटम ऐड करेंगे वो ऐड करने का तरीका अलग अलग है, मैंने आपके इस पे क्लासेस बता चुका हूं, तो इसमें आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ dim id as a string, string name आप लीजिएगा as a long, और फिर यहाँ id equal to application dot worksheet function dot काउंट ए, और इसमें हमने ले लिया शीट्स, और शीट्स में रेंज डायरेक्ट रेंज देता हूँ, शीट्स का रेफरेंस आप दे दीजिएगा रेंज और फिर मी डॉट टैक्स वाज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी प्लस वन, मी डॉट टैक्स वॉक्स टू डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। जैसे रन होगा तो रन होने के साथ इसमें डेट फिल हो जाएगी और यहां पे आईडी हाँ मुबीन जी, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर कोई नहीं था क्या? ठीक है, मैं आपको मैं थोड़ी देर कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास के बाद थोड़ी देर कॉल करूँ आपको। जैसे कि माइनस वन कर दिया, क्योंकि काउंट ए लगाया हमने, तो काउंट ए ने हेडिंग को भी ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं सेव पे क्लिक करूं, ये पूरा आईडी ये डेटा हमारा फिल हो जाए, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, रेंज ए 63000 एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ 0 दे देते हैं और यहाँ पे 1 देते हैं और ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। फिर इसको कॉपी मैं करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू नेम के लिए। सिटी हमारा कॉम्बो बॉक्स में है, तो यहाँ इसी कोड को नीचे हम पेस्ट करते हैं और सिटी के लिए हम करेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कोड, और कॉम्बो बॉक्स के बाद आता है कोड्स, बट यहाँ कोड्स में थोड़ी सी दिक्कत है, ये चेक बॉक्स है, मैं चाहता हूँ जितने भी चेक बॉक्स है वो हमारा जिस जिस पे क्लिक है वो ले, इसके लिए हमें देना होगा कंडीशन। कंडीशन अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कि dim है, इसलिए यहां देता हूं कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू देन s इक्वल टू मी डॉट चेक बॉक्स 1
डॉट कैप्शन यहाँ पे एंड, और इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसमें हो जाएगा चेक बॉक्स टू और यहाँ भी हो जाएगा चेक बॉक्स टू, और यहाँ एस के साथ कंबाइन होगा कॉमा, और इसी तरह से थ्री और इसी तरह से फोर, जितने चेक बॉक्स होंगे उतने इस तरह से कोड आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थ्री और यहाँ भी आपका थ्री हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोर और यहाँ भी आपका फोर हो जाएगा। एंड यहाँ हम करेंगे यस, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब बात आती है मेरी मोड का, मतलब कि ऑप्शन बटन का। तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, उसने कोड होगा कि इफ मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे मैं मोड एम एक वेरिएबल मोड के लिए करता हूं, तो डिम होगा डिम डब्ल्यू एज ए बैच बी कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे स्क्रीन हो गया डिम के लिए, देन एन इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट कैप्शन, यहां भी हम रिसीव करते हैं ऑप्शन बटन टू और यहां भी ऑप्शन बटन टू आ जाएगा। उसके बाद हम इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं और यहां पे हम फोर के जगह पे फाइव करेंगे, एस के जगह पे। वापस हमें अब चाहिए किसके लिए, मोड डब्ल्यू के लिए, तो एम के जगह पे यहां पे डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री और ये भी हो जाएगा आपका थ्री, ये हो जाएगा आपका फोर, ऑप्शन बटन फोर। या फिर आपको सहूलियत के लिए आप अपना नाम भी डिफाइन भी कर सकते हैं उसका नहीं। उसके बाद हम इसको वापस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फाइव का जगह सिक्स हो जाएगा। एंड लास्ट हमें मैसेज देना होगा कि एम एस जी बॉक्स मी मैसेज, यहाँ पे इन्वर्टर कमांड है, लेकिन न्यू डेटा के लिए हमें ब्लाइंड भी करना पड़ेगा। तो वापस हमें इसको रन करना होगा, टेक्स बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, उसके बाद मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, भी हमें करना पड़ेगा ताकि तभी तो फॉल्स करेंगे तभी अनचेक होगा। तो चार चेक बॉक्स है तो चार बार हमें कोड लिखना पड़ेगा, टू थ्री एंड फोर। ऐसी आपका रेडियो बटन है, यहां देना होगा मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स।
नेम में मैंने यहाँ पे दिया पूजा, स्थिति सेलेक्ट कर लिया दली, और हमने डैशबोर्ड ले लिया, ऑनलाइन ले लिया एंड यहाँ पे एक्सेस कर लिया। कोडिंग कहाँ करती है? हमने सारी कोडिंग यूजर फॉर्म इन स्लाइड्स पे ही कर दी है। हमें कोड कोड करना चाहिए था कमांड बटन डॉट क्लिक पे। यहाँ मैंने दिया पूजा, सिटी सेलेक्ट किया, एक्सेल डैश को ऑनलाइन एक्सेस, देन सेव। आया समझ में? डाउट तो नहीं मैम? तो हमने आपको इस एग्जाम्पल में बताया कि किस तरीके से हम यूजर फॉर्म में रेडी बटन एंड चेक बॉक्स एंड फ्रेम का यूज करते हैं। जी हाँ, रेडी बटन, चेक बॉक्स एंड फ्रेम का हम यूज करते हैं। अब ये जो आपका था कुल्लर बटन होता है, नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए होता है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रीवियस। अब उसे नेक्स्ट और प्रीवियस क्या है? तो चलिए हम आपको कुल्लक बटन का एग्जाम्पल देते हैं। आपको याद होगा हमने आपको एक बहुत पहले दो तीन क्लास पहले हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यूजर फॉर्म का। तो उसमें हमने बताया था किस तरीके से हम डेटा को लोड करते हैं एक्सेल शीट से। एक उसी को देखते हैं दोबारा। जैसे हमारे पास डेटा है और डेवलपर में हम जाके उसमें देखते हैं यूजर फॉर्म, ये यूजर फॉर्म पर है। जब हमने इसको यहां से व्यू किया, व्यू करने के बाद आईडी नंबर 1 डाला, रिकॉर्ड आया। अब मैं चाहता हूं इसी में नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट 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 डेटा आ जाए। तो अभी दो चीजें हैं, अब यहाँ पे आपका आईडी सिक्वेंसली 1 2 3 4 5 से है। तो अगर मैं यहां इसका डाला इधर टुल्लक बटन है, तो स्पाइन बटन ये हमारा स्पाइन बटन। स्पाइन बटन को हमने लिया, इसमें आप दे सकते हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो यहां हमने नेक्स्ट अब जैसे मैं इसको प्ले करूं, तो मैं अगर इस पे क्लिक किया तो अगली रिकॉर्ड अगली अगली वीडियो आ गई। तो अगर आपको सीक्वेंस नंबर है तो क्या करेंगे, आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल सा कर दूंगा text_1.value=new.spine button1
बहुत बैड। देखिए सिक्वेंसली है, इसलिए अगर मान लीजिए सिक्वेंसली नहीं है तो, सिक्वेंसली अगर आपका नहीं है तब क्या करें, मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो अलग अलग नंबर है, ऐसे 001 यहाँ पे 005 इस तरह का नंबर, तो यहाँ पे हम सिंपल सा इस कोड को हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स, सेल्स में मी डॉट स्पाइन बटन वन डॉट वैल्यू कॉमा, और इसके प्लस वन कर दीजिएगा, ठीक है प्लस वन कॉमा आई, आई नहीं मतलब ए वन, क्लिक किया आगे 11 01 2 5, उसी तरह से डेटा दिया। स्पाइन बटन का यूज हम यहां पे करते हैं, इसके बाद स्पाइन बटन हो गया हमारा स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार का यूज हम कहां करेंगे, अब मान लीजिए ये तो बटन से हुआ लेकिन मुझे रिकॉर्ड जो चाहिए होगा वो मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ रिकॉर्ड, जैसे कि नॉर्मली हम एक्सेल सीट में करते हैं, तो हम इसी स्क्रॉल को लेंगे और इस स्क्रॉल को हम यहां ड्रैग करेंगे, और आपको इसी जो ये मेथड हमने यहां अपनाया है सेम मेथड हम आपको यहां अपनाएंगे, ये रहा सेम चीज होगा, स्पाइन की जगह पे मैं यहां दूंगा लेकिन इसमें हमें एक काम और करना है, मैं यहां डू इवेन इवेंट सॉरी, अब यहां भी नीचे भी डू इवेंट्स लगाता हूं, मैं यहां स्क्रॉल करके रख सकता हूं, तो हमें हमारा डेटा दिख जाए, अब इसमें एक दिक्कत यह है कि हमने स्क्रॉल बार का ए स्टेप नहीं किया, मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे आप देखोगे यहां पे मिनिमम 0 है, तो मिनिमम 0 सही है और मैक्सिमम 32,000, तो इसमें आपका डेटा के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि मैक्सिमम हमारा होना चाहिए 198, मैक्सिमम क्या होना चाहिए 198, अब देखिए ठीक है ना सर, इस तरह से हम इस कॉल कर सकते, क्लास में हमने आपको कई सारे चीजें बताई, सबसे पहले हमने आपको चेकबॉक्स के बारे में बताया, हमने बताया आपको स्पाइन बटन के ऑप्शन बटन के फ्रेम के बारे में बताया, हमने बताया आपको स्क्रॉल बार के बारे में, हमने बताया आपको स्पाइन बटन के बारे में, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे टूलो बॉक्स के बारे में, हम बात करेंगे विंडो ग्रिया प्लेयर कैसा यूज कैसे होगा उसके बारे में, और जो बाकी चीजें उनके बारे में, मतलब कि हम अगली क्लास में आपका यूजर फॉर्म मोस्टली फिनिश कर देंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ओके।